माय चैनल कुक एंड ऑर्गेनाइज्ड विद भाविका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुपट्टा ऑर्गेनाइजर। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो इसके लिए कोई भी पुराने कर्टन्स जो रहते हैं उसके ऊपर जो लगे हुए रहते हैं, ये इस टाइप के, देखिए ये मेरे पास पुराना कर्टन्स रखा हुआ था, उसका मैंने कर्टन्स हटा के काट के ये पोर्शन मैंने ले लिया है यूज करने के लिए। तो इसकी मदद से हम बनाएंगे दुपट्टा ऑर्गेनाइजर। और उसके लिए हमें चाहिए एक हैंगर, और चाहिए थ्रेड, धागा और सुई, और हॉट ग्लू गन। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो सर्कल वाली पट्टी है उसको हमें अरेंज करना है। तो ये जो सर्कल है तो हम 4, 3, 2, 1 के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं, या तो फिर 3, 2, 1 के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं 3 सर्कल्स पहले कट कर रही हूँ, उसके ये 3 सर्कल्स मैंने कट कर लिए हैं। अब उसके बाद में 2 सर्कल्स की पट्टी कट कर रही हूँ, और इसके बाद सिंगल 1 सर्कल हमें कट कर लेना है, प्रॉपरली इसको कट करना है। अब इसके बाद इस तरह से हमें अरेंज करना है 3, 2 और 1। ये देखिए इस तरह से हमें इसको अरेंज कर लेना है। उसके बाद हमें हाथ से भी हम सिलाई लगा सकते हैं, अगर सिलाई मशीन हो तो उससे भी सिलाई लगा सकते हैं, या तो फिर हॉट ग्लू गन की मदद से भी हम इसे स्टिक कर सकते हैं। तो फिर मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सुई और धागे की मदद से हाथ से ही मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये सबको हमें इसे स्टिक कर लेना है, ये साइड भी देख लेना है, साइड में भी हमें अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमें सुई धागे की मदद से इसको सिल लेना है, या तो फिर हॉट ग्लू गन की मदद से भी हम इसको चिपका सकते हैं, पर हाथ से और सिलाई मशीन से ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसके बाद एक ऐसा सिंपल सा कपड़ा लेना है और उसको हैंगर में अटैच करना है इस तरह से, या तो कट करके इसको हैंग करके एक सिलाई लगा दीजिए, या फिर ये पूरा कपड़ा जो है उसके मिडल में, ये इस तरह से मिडल में ये हैंगर को रख के ऊपर की तरफ, या फिर मिडल में एक सिलाई लगा दीजिए, तो ये हैंगर इससे अटैच्ड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद ये हैंगर को हमें, ये जो हमने सर्कल वाले जो पट्टी को ऑर्गेनाइज किया था उसके ऊपर हमें इस तरह से रख के एक सिलाई लगा देना है, तो ये इससे अटैच हो जाएगा। ये इस तरह से पहले इस हैंगर को ये कपड़े से सिलाई लगाना है, उसके बाद हमें इसके साथ इस तरह से अरेंज करके फिर एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से एक सिलाई लगा देना है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए इस तरह से ये अटैच हो गया है। अब हम इसमें कलरफुल टेसल्स भी लगा सकते हैं, या तो फिर सेम कलर का कपड़ा हो तो उसके टेसल्स लगा दीजिए, यहाँ पर ये दोनों साइड में जितनी भी साइड से वहाँ पर टेसल्स लगा सकते हैं, अलग उसके मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। ये जैसे रेड कलर है तो यहाँ पर वाइट कलर के टेसल्स भी हम लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 जगह पर सेम कलर का कपड़ा था मेरे पास, उसी के मैंने टेसल्स लगा दिए हैं। तो अब देखिए ये हमारा दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। ये देखिए इस टाइप से ये हैंगर को मैंने इसमें अटैच कर लिया है। ये इस तरह से इसमें हम एक साथ 10 दुपट्टे हैंग कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ज़ीरो कॉस्ट में हमारा दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। ये इस तरह से दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ये दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। चलो मैं अब आपको इसमें दुपट्टा हैंग करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें दुपट्टे हैंग कर दिए। अब इस तरह से हम इसमें दुपट्टा सारे हैंग कर सकते हैं, तो हमारे दुपट्टे फैलेंगे नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे,
और हमारे नज़र के सामने रहेंगे, तो जब भी हमें चाहिए हम दुपट्टा इसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें क्रिएटिव रहना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसे ज़ीरो कॉस्ट में चीज़ें बनाते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप भी ये ऐसे दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र को ज़रूर बनाइए। ऐसे खुद को बिज़ी रखिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। टेक केयर, बाय बाय।